नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़े मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 16 और 17 अक्टूबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम रहेगा खुशनुमा, लेकिन सुबह शाम दिखेगा धुंध और कोहरे का असर। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट। यूपी में मौसम अब फिर से सामान्य होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। बदलते मौसम का असर अब यूपी में दिखने लगा है। लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव जारी है। सर्दी के आगमन की आहट अब साफ दिखाई दे रही है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। सुबह शाम आसमान में धुंध का असर भी अब दिखने लगा है। कई जिलों में तो कोहरा भी पड़ने लगा है। वहीं प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ धुंध और कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हो रही है। इनमें लखनऊ, कानपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल रहे हैं। 16, 17 और 18 अक्टूबर को जिन जिलों में सुबह शाम धुंध और कोहरे का असर दिखेगा वो जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, फतेहगढ़, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उरई, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और चित्रकूट। इन जिलों के ग्रामीण अंचलों में सुबह और शाम कोहरे का असर रहेगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।